उठो, कैसी नींद आई? नींद आई रात में है? कैसी नींद आई रात में? नेहा ने कभी मस्त होकर सो रखी है, मम्मी भी सोई हुई है, पापा उठ गए हैं और मैं भी उठ गया हूँ, दोनों उठ गए। तो बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये है हमारी बालकनी है, मैंने पिछले वाले से दिखाया था, यहाँ से बाहर का नज़ारा आप देखोगे तो वाकई काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे गाँव की तरह। मॉर्निंग में टिट बोल रहे हैं और आपके ग्रेट इंडियन मोनेटेड बोल रहे हैं और आपके स्पैरो बोल रही हैं और मैं तो बर्ड के नाम भूल गया घूमते घूमते, और जितनी बर्ड है आपके मैगपाई है उन सब की आवाज़ आ रही है जंगल से। सामने देवदार का पूरा जंगल है और हम हैं फिलहाल पटनी टॉप पे, और आज का मौसम कुछ खतरनाक ही हो रखा है। देखो सामने ऊपर आसमान में पूरे बादल बादल छाए हुए हैं और मौसम यहाँ पर ठंडा है, बिल्कुल रानीखेत की तरह, बिल्कुल यहाँ पर फीलिंग आ रही है रानीखेत और मुक्तेश्वर वाली एकदम से। इसका नाम है पटनी टॉप उधम सिंह उधम जुकाम भी लग गया था उधमपुर के अंदर आता है। उधमपुर यहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है, नीचे जो घाटी है उधर उधमपुर है शायद बोल रहा हूँ। तो ये हम लोग रुके थे होटल ड्रीमलैंड में, मम्मी लोग की बालकनी इस साइड देखो है और हमारी गाड़ी पार्किंग में उस साइड खड़ी है। तो यहाँ से है नज़ारा कुछ काफ़ी खूबसूरत। हाँ सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो हम लोग हैं पटनी टॉप पे, हम लोग आए थे गुलमर्ग से पटनी टॉप, कल रात करीब आए थे, 9 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो सर तो कुछ व्यू वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा सर अगर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पटनी टॉप सर थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन डेस्टिनेशन है वह है, एक है नागा टॉप और दूसरा है नाग टेम्पल। तो फिलहाल शायद निहारिका और मम्मी क्या पता ना आए, पापा और मैं बाय वॉक तो जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर ट्रैक है ऐसा गूगल मैप दिखा रहा है। अब पता नहीं कितना दूर है वो नागा टॉप और नाग टेम्पल। अगर निहारिका मम्मी आएंगे तो उनको भी चलेंगे, अगर नहीं आएंगे तो पापा और मैं दोनों जाएंगे। नींद आई अच्छी? थकान मिट गई? अभी नहीं मिटी थकान, रिंगे लग रही है अभी भी रिंगे। ये लोग, ये वाला रूम था मम्मी लोग का, पूरा वुडन इसमें दिया हुआ है। यहाँ से इनकी बालकनी दिखाता हूँ अगर मैं आपको, तो ये इनकी बालकनी हमारी इधर है, यहाँ से व्यू ऐसा इनके यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऊपर का मौसम है बहुत भयंकर, देखो ठंडा बहुत है। तो पापा मैंने ऐसी प्लान बनाया, दोनों तैयार हो गए, तो उसके बाद ये हो गई बारिश स्टार्ट। मैं कहता था ना मौसम बहुत खतरनाक है, अब देखो बारिश होना स्टार्ट हो गया, ये पूरा गीला हो गया। तो अभी यहाँ से ऊपर तक का ट्रैक था, जो आप नीचे ये टावर देख रहे हैं ये आपका गुंडोला की राइड है, आप इसमें लिफ्ट से ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। इसका नीचे रोपवे का जो नीचे है वो बहुत नीचे है, तो वहाँ से आप रोपवे से सीधे ऊपर आ सकते हैं। ये भी बहुत बहुत बड़ा रोपवे है, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल टॉप पे थे, तो यहाँ से नत्था टॉप था करीब 1.5 किलोमीटर और नाग टेम्पल था करीब 0.5 किलोमीटर। तो हमने कहा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और हमारी घुमाई भी हो जाएगी और आप लोग को भी रेस्ट मिल जाएगी, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, मौसम में हो गई है बारिश। वो बोलते हैं ना पहाड़ों में मौसम कैसे कैसे बदल जाता है। निहारिका भी तैयार हो गई और मैं भी तैयार हो गया, पापा लोग भी तैयार हो गए। हम लोग का प्लान था पटनी टॉप में घूमने का, जो क्या होता है कि निरस्त करना पड़ेगा शायद, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया, बारिश हो रही है मॉर्निंग से और अभी आप देखो कोहरा कैसा लगा हुआ है। तो वो जो बिल्कुल टॉप है ना वही है नत्था टॉप, बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है विंटर में और चारों ओर का जो मतलब है व्यू है बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो आप वहाँ आने का प्लान कर सकते हैं जब आप पटनी टॉप आएँ, तो वहाँ का जो मोस्ट मतलब फेवरेट प्लेस है वह है नत्था टॉप।
पटनी टॉप पे हो गए दो प्लेस, एक आपका नाग टेंपल और दूसरा आपका नत्था टॉप। और आप पटनी टॉप आओगे तो नाग टेंपल आओगे तो पटनी टॉप अपने आप हो जाओगे, साथ में गुंडोला राइड भी है यहाँ पे, जहाँ आप नीचे जाओगे गुंडोला राइड करते हुए और आपको वहाँ जिप लाइन वगैरह एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिल जाएगा। इतना है पटनी टॉप पे। बाकी यहाँ जो है वो है मौसम के पैसे, नहीं अप्रैल में मौसम भी काफ़ी ठंडा ही रहने वाला है, तो यहाँ पर आप समर वैकेशन आराम से बिता सकते हैं पटनी टॉप पे। होटल की कमी नहीं है, बहुत सारे होटल हैं। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है उधमपुर, और जो नियरेस्ट आपका अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं वो है जम्मू, जम्मू तभी भी आप आ सकते हैं और यहाँ से प्लान कर सकते हैं साथ में श्रीनगर, गुलमर्ग और अमृतसर, वैष्णो देवी, सब जगहों का साथ साथ पटनी टॉप भी आप। यहाँ पटनी टॉप आते ही जुकाम लग गया, कल वाला ठंडा भी और आज का ठंडा तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बारिश अलग से हो रही है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नाग मंदिर में, पटनी टॉप के ये मंदिर का रास्ता है जो एक मतलब जो पटनी टॉप पे मैं आपको दिखा पाया वो सिर्फ एक ये दिखा पाया, कौन सा वाला नाग टेम्पल, बस ये है उसका रास्ता। हलवे में मिला प्रसाद नाग देवता के मंदिर से। नाग देवता का मंदिर 800 साल पुराना है और साथ साथ में वहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वो बाहर से सिर्फ दर्शन करते हैं। बाबा जी बता रहे थे कि नाग देवता ब्रह्मचारी थे इसलिए महिलाओं का प्रवेश है नहीं। और साथ साथ में ऐसी कुछ मार्केट है यहाँ पे, बहुत प्यारा प्यारा फोटो स्टैंड है और यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट वाले आपको आइटम मिल जाएंगे देखने को। तो ये हिल स्टेशन है काफ़ी अच्छा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जोन है इसका चेनानी और है पटनी टॉप। तो ये सब कुछ था पटनी टॉप में देखने के लिए। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वो और एक्साइटेड है, सांस फूलने लग गई है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।